गुड मॉर्निंग. टुडे आई विल डिस्कस ए न्यू टॉपिक, वेस्ट रिसाइकिल मैनेजमेंट, द स्टेप इन्वॉल्व इन द वेस्ट मैनेजमेंट. इसके पहले के वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया था कि वेस्ट रिसाइकिल मैनेजमेंट क्या है. तो बेसिकली हम इसको फिर से थोड़ा सा उसको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं. जो वेस्ट और स्क्रैप्स होते हैं उनको हम फर्दर रीयूटिलाइज करते हैं, जिसके वजह से हमारा जो स्क्रैप है जहाँ पे स्टोर होता है वो भी कॉम्पैक्ट हो जाता है और हमें फिर से विदाउट द रॉ मटेरियल वी ऑब्टेन द न्यू प्रोडक्ट. सो इन द वेस्ट रिसाइकिल मैनेजमेंट दैट इट इज़ बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इन द रिसाइकिलिंग प्रोसेस इट कन्वर्टिंग द वेस्ट मटीरियल इन टू द न्यू मटीरियल एंड ऑब्जेक्ट. जो इसका हमने रूट डिस्कस किया था रिसाइकिलिंग मैनेजमेंट में, सबसे पहले जो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटीरियल होता है उसका कलेक्शन करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट ले जाते हैं, फिर वहाँ पर प्रोसेसिंग होता है और फिर हमें फिनिश प्रोडक्ट और गुड्स मिलता है. देखा जाता है कि जो फिनिश प्रोडक्ट और गुड्स हमें मिल रहा है, जैसे कि हमने इस फिगर के थ्रू आपको बताया था, जो भी हमें वेस्ट प्रोसेसिंग के थ्रू हमें जो प्रोडक्ट्स मिल रहा है उसको हम फिर फर्दर यूटिलाइज़ नहीं करते हैं. उसको हम क्या करते हैं, या तो बर्न कर देते हैं या उसको दूसरे जगह पे, ऐसी जगह पे डंप कर देते हैं जो कि हम फर्दर यूज़ में ना लाएं, जिससे ह्यूमन हैज़र्ड और स्टोरिंग की जो एरिया जो कवर कर रहा है वो ना हो. तो आज हम लोग जो लेक्चर करेंगे उसी के रिगार्डिंग वेस्ट रिसाइकिल मैनेजमेंट में कौन कौन से वेरियस स्टेप जो हैं वो इन्वॉल्व किए जाते हैं. सो मेजर जो पॉइंट्स हैं वो फोर पॉइंट्स हैं जो कि स्टेप इन्वॉल्व इन वेस्ट मैनेजमेंट. तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहला स्टेप, वेरियस अल्टरनेटिव्स ऑफ द वेस्ट रिसाइकलिंग ऑपरेशन. एक हम देखते हैं कि कहीं पे भी जब प्रोडक्शन होता है तो कई तरीके से उसमें हमें वेस्ट और स्क्रैप मिलते हैं, तो जितना भी पॉसिबल वे है उस वेस्ट को हम लोग इस्तेमाल करें. ऐसा नहीं है कि जो लार्ज प्रोडक्शन में वेस्ट हो, जैसे कि शुगर केन इंडस्ट्री में होता है, शुगर निकल जाने के बाद जो बचा हुआ शुगर केन के थ्रू जो भी वेस्टेज होते हैं हम लोग उसी को बस यूज़ ना करें. जो दूसरे भी जो मटेरियल्स हैं, जैसे कि हमारा लिक्विड शुगर में जब कन्वर्ट होते हैं तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होते हैं, उस इम्प्योरिटीज़ को प्योरीफाई करने के बाद जो भी रेस्ट बचता है उसको भी हम लोग फर्दर यूज़ करें. तो वेरियस अल्टरनेटिव जो हैं उसको हमें फॉलोअप करना है. लिस्टिंग ऑफ द स्टेप इंक्लूडेड इन द प्रोसेसेस, हम लोग उसकी लिस्टिंग कर लें कि कौन कौन से स्टेप से प्रोडक्शन हो रहा है और हर एक लाइन ऑफ एक्शन में देख लें कि किस जगह पे क्या वेस्ट मिल रहा है, उस वेस्ट को हम थोड़ा सा कलेक्ट करने के बाद फिर से उसको रीयूटिलाइज करने के फॉर्म में रखें. थर्ड इज़ द इकोनॉमिकल एनालिसिस ऑफ द रिसाइकलिंग प्रोसेस. ये बहुत ज़रूरी है. इकोनॉमिकली एनालिसिस का मीनिंग ये है कि अगर मान लीजिए कि हम वेस्ट को फिर से रिसाइकिल कर रहे हैं, अब अगर इतना ज़्यादा वो इकोनॉमिकली होगा रिसाइकलिंग करने के लिए, जिससे कि जो हमारा रॉ मटेरियल है और जिससे हम प्रोडक्शन फर्स्ट टाइम कर रहे थे, कंपेरेटिवली उसी कास्ट में अगर हमें रिसाइकलिंग करने के बाद प्रोडक्ट मिल रहा है और लेस अमाउंट में मिल रहा है, तो इट इज़ नॉट बी वर्दी. सो इकोनॉमिकली जो होता है वो हमें एनालिसिस करने के बाद ही हम उसको कैसे यूज़ करते हैं उसको हम फॉलोअप करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग किसी भी प्लांट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट फिनोमिना है कि कैसे हम ऑर्गेनाइज तरीके से सिस्टमेटिक वे में हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं कि मटेरियल को कॉन्टीन्यूअस, ऐसा ना हो कि एक जगह प्रोडक्शन हो रहा है और स्क्रैप निकलते जा रहा है और वहाँ पर स्टोर हो रहा है, तो जैसे ही स्क्रैप निकले कुछ टाइम के बाद उसको हम वहाँ से ले जाके जहाँ से ही हमें उस स्क्रैप को फर्दर यूज़ करना है उस प्लांट में हम कॉन्टीन्यूसली उसे भेजते रहें. लास्ट वन इज़ द एग्जीक्यूशन एंड द मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्राम. तो जो भी वर्किंग साइकिल ऑब्टेंड हो रही है ड्यूरिंग द वेस्ट एंड स्क्रैप, वी हैव टू एग्जीक्यूट एंड मॉनिटरिंग ऑफ दैट सिस्टम. द सेकेंड स्टेप दैट इन्वॉल्व इन द वेस्ट मैनेजमेंट दैट इज़ द हैज़ार्डस वेस्ट इज टू बी डिस्पोज्ड इन कंटेनर टू प्रिवेंट सीरियस हेल्थ इफ़ेक्ट. देखा गया है कि बहुत ज़्यादा जो वेस्ट होते हैं, कुछ जनरली हम लोग जिसकी बात करते हैं वो बायोलॉजिकल मेडिकल वेस्ट होते हैं, वो एक तरीके से ह्यूमन हैज़र्ड्स हैं और इससे क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया और ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर हम लोग घर के आसपास मेडिकल वेस्ट को फेंक देते हैं या कभी कभी खाने पीने की चीज़ों को घर के बाहर ही फेंक देते हैं, तो ये चीज़ गलत है. उसको हमें एक दूसरी जगह पे
प्रिजर्व करना चाहिए जो कि हम फर्दर यूज़ करें, क्योंकि जनरली कंपोजिशन फिनोमिना अकर्स आफ्टर 7 to 10 days एंड देयर आर सम फॉर्मेशन ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन हैजार्डस होती हैं। थर्ड इज़ द बायो वेस्ट गोज़ फॉर बायोगैस प्रोसेस टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड रिमेनिंग गोज़ फॉर लैंड फिलिंग। जनरली हम लोग देखते हैं कि जो वेस्टेज होते हैं वो बायोलॉजिकल वेस्ट जो है वो बायो वेस्ट को हम बायोमास एंड बायोगैस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब उससे जो हमें एनर्जी मिलती है वो एज ए ईंधन के रूप में हम इसका फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और जो रिमेनिंग गैसेज होती हैं वो रिमेनिंग पार्ट होते हैं जिसको हम खाद के रूप में जानते हैं, और उसको हम लोग फिर से लैंड फिलिंग के रूप में उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जनरली हम लोग देखते हैं तो जो गोबर की खाद होती है काऊ डंग, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स। लास्ट फोर्थ वन इज़ द रीयूज ऑफ द मटीरियल लाइक ग्लास प्लास्टिक रिड्यूस द वेस्ट कंसिडरेबली आफ्टर रिसाइकलिंग इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। जनरली जो भी हमारा प्लास्टिक है, जैसे हम लोग खाने की बर्तन थर्माकोल का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के ग्लासेस वगैरह होते हैं, तो हम लोग फिर से उस ग्लास का प्लास्टिक का यूज़ करके और उस प्लास्टिक को हम, क्योंकि जो प्लास्टिक का लाइफ टाइम है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक वो स्टे करता है, तो उसको हम लोग रिसाइकिल करके न्यू प्रोडक्ट बना सकते हैं। आजकल प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन में भी करते हैं। तो देयर आर द वेरियस स्टेप दैट आर इन्वॉल्व थ्रू द वेरियस प्रोसेसेस एंड स्टेप्स विच आर फॉलोज इन द वेस्ट रिसाइकलिंग मैनेजमेंट। इसी के कंसर्न में फाइव आर फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब आर सिंबल से पांच जो वर्ड हैं दैट इज़ जनरली यूज इन द वेस्ट मैनेजमेंट। पहला जो है दैट इज़ आर को R1 हमने लिखा है रिफ्यूज़, दूसरा R2 रिड्यूज, R3 रीयूज, R4 रीपर्पज एंड R5 रिसाइकिल। रिफ्यूज़, जैसे कि वेस्ट क्या चीज़ होता है, हम लोग उसको फिर से कह देते हैं कि हम उसको रिफ्यूज़ कर दिए। सेकंड इज़ द रिड्यूस, उसको कॉम्पैक्ट कर दिया। रीयूज़, फर्दर यूज़ में किया। रीपर्पज़, देखेंगे उसका रीपर्पज़ क्या है। और रीसाइकिल, हम मतलब उसको साइकिलिंग करके फिर से हम उसको यूज़ में करेंगे। ये इसका एक तरीके से लाइन डाइग्राम है या लेआउट फॉर्म कह सकते हैं कि कैसे वेस्ट रीसाइकिलिंग मैनेजमेंट जनरली हर एक केस में इसी लाइन को हम फॉलो करते हैं। वेस्ट कलेक्शन है, वेस्ट कलेक्शन एक साथ हमें कहीं पे भी, मतलब जिसको कहते हैं कि एक जगह की कूड़ा इकट्ठा हो गया उसको हम सेग्रीगेशन करते हैं। सेग्रीगेशन मींस यही होता है कि उस कूड़े में प्लास्टिक्स भी होते हैं, रबर भी होते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वेस्ट में रहती हैं। तो सेग्रीगेट कर लेंगे, एक अलग अलग यूनिट बना देंगे, प्लास्टिक एक साथ रख लेंगे, मटेरियल को एक साथ रख लेंगे, बायोलॉजिकल जो खाने पीने की चीज़ें थी उसको अलग तरीके से रख देंगे, जो वेट हमारा होगा जिसको हम लीचेट बोलते हैं उसको हम एक जगह कलेक्ट कर लेंगे। फिर वेस्ट ट्रांसपोर्ट, जो जहाँ पे हमने स्टोरेज किया है जिस चीज़ की, उस जगह वो चीज़ हमने इकट्ठा कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ द वेस्ट। देन इट गोज़ टू द प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होगा, उस वेस्ट का हम फिर से प्रोसेस करेंगे जिससे कि हमें न्यू प्रोडक्ट में मिले। और फिर दैट इज़ द वेस्ट डिस्पोजल। लास्ट इज़ द वेस्ट डिस्पोजल, इट मीन दैट आफ्टर द री यूज ऑफ द वेस्ट एंड मेकिंग द न्यू प्रोडक्ट फर्दर वी ऑप्टेन सम पार्ट ऑफ द वेस्ट। मतलब एक बार वेस्ट का हमने इस्तेमाल कर लिया और उससे प्रोडक्शन कर लिया, फिर उसके बाद प्रोडक्शन के दौरान फिर उस वेस्ट से हमारा कुछ वेस्ट डेवलप हो जाता है, तो हम देखते हैं कि जैसे वो बहुत ही लेस एफिशिएंट है तो हम उसको क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं या डिकम्पोज कर देते हैं। उसी से रिलेटेड एक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस जो कि हमने लाइन डाइग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया है, जो कि फ्लो चार्ट भी हम जानते हैं कि हाउ द वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस साइकिल। तो जब भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं कि वेस्ट रिसाइकलिंग मैनेजमेंट क्या है, तो आप पहले वेस्ट रिसाइकलिंग मैनेजमेंट बताएंगे, उसका लेआउट बताएंगे, उसका जो जनरली वेस्ट से हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, फिर फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे, ये इसका सर्किल वाला लेआउट जो है। फिर उसके बाद इसका जो स्टेप कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं वर्किंग रिसाइकलिंग मैनेजमेंट में, फिर 5R का प्रिंसिपल, उसके बाद जो प्रोसेसेस हमने लाइन डाइग्राम बनाया था, उसके बाद जो आपका फ्लो चार्ट है दैट इज़ द वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस।
तो ये सिंपल जैसे हमने अभी लाइन डायग्राम में डिस्कस किया था, प्राइमरी शॉर्टिंग, प्राइमरी शॉर्टिंग हम इनिशियल कर लें। और प्राइमरी शॉर्टिंग करते हैं तो दो चीज़ आती है, एक तो या तो ऑर्गेनिक वेस्ट होगा या तो उसमें नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट होगा। अगर ऑर्गेनिक वेस्ट है तो हम उसको आगे फर्दर कैरी करते हैं, पहले हमने उसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के थ्रू फॉलो किया, फिर उसमें देखते हैं लीचेट प्रोडक्शन। लीचेट एक वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है कि रिमूवल ऑफ द वाटर फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर पर्टिकुलर बायोलॉजिकल वेस्ट। तो जो चीज़ वेट होती है, गीला हम जिसको बोलते हैं, उसमें हम जो भी वेस्टेज जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको हम बाइफर्केट कर देते हैं और उससे हम बायोगैसिफिकेशन के मीडियम से हम उससे बायोगैस जनरेट करते हैं। और अगर जो थोड़ा ड्राई होता है उसको हम वेस्ट डिजास्टर में भेजते हैं जिसको हम कंपोजिटिंग करके बायोगैस में फॉर्म कर लेते हैं बायोमास प्रोडक्शन के। नेक्स्ट जो है जो कि नॉन ऑर्गेनिक है, जैसे कि मटीरियल से ग्लास से प्लास्टिक है, उसको हम क्या करते हैं मटीरियल रिकवरी यूनिट में भेजते हैं। रिकवरी यूनिट मींस रिकवरी फैसिलिटी ऑकरिंग दैट नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू कन्वर्टिंग इनटू द सम फिनिश प्रोडक्ट एंड उसके रिसाइकलिंग के मीडियम से हम एक फिर से रीयूज़ करके उसको हम दूसरे प्रोडक्ट के फॉर्म में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दिस इज़ द वर्किंग साइकिल ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट एंड हाउ द फिनोमिना अकर्स दैट इज़ टू बी एक्सप्लेनेबल बाई 5R principle। दिस इज़ द लाइन डाइग्राम एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द वेस्ट मैनेजमेंट। सो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस ओनली अबाउट द मेजर स्टेप इन्वॉल्व इन द वेस्ट मैनेजमेंट फॉर वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोसेस, द लाइन डाइग्राम, द फ्लो चार्ट रिगार्डिंग प्रोसेसिंग यूनिट को हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के थ्रू समझने की कोशिश की है। तो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस ओनली अबाउट द स्टेप इन्वॉल्व इन द वेस्ट रिसाइकलिंग मैनेजमेंट। थैंक यू।